रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं। जिसको आज मैं ट्रेन से दिल्ली करने वाला हूँ, कराची से बावलपुर, और ट्रेन नंबर 47 रहमान बाबा एक्सप्रेस। और ये कराची से बावलपुर तक इसके टोटल 4 स्टॉप है और ट्रेन माशाल्लाह नॉन स्टॉप है, बहुत मेरी अच्छी ट्रेन। तो फर्स्ट टाइम इस ट्रेन का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जर्नी, ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर इस ट्रेन की मैं स्पीड की बात करूँ, ये 120 किलोमीटर घंटा पर आवर की स्पीड से चलती है और इसकी जो हाई स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। तो ये थी ट्रेन की जानकारी, अब है आपकी भाई की बात। गाइज हम लोग आ चुके हैं लांडी स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड नंबर है LND, और यहाँ पर ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम आई है। तो उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह ट्रेन ऑन टाइम चलेगी। मेरे भी इस टाइम हाथ कांप रहे क्योंकि पीछे इतनी आवाम है, मुझे जो है ना बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा है। बट खैर, हमने व्लॉगिंग तो करनी है, जाहिर सी बात है जब व्लॉगिंग का शौक रखे तो उसको पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अभी आपसे आगे। ठंड थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा गरम सूप ट्राई करते हैं और टेस्ट वगैरह जो है वो आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? खैरियत से है? ठीक है, बना दो प्याले। कितने का दे रहे हो? 40 रुपये का। अच्छा, 40 वाला बना दो।
मसाला कौन सा है? काली मिर्च है। और बस नंबर है। ट्राई करते लाइट है, ट्राई करते सही है, लेकिन थोड़ी सी मिर्चें कम है तो ये कमाल है। आपको पता है हम कराची वाले बंदे हैं और थोड़ा सा स्पाइसी तो होना चाहिए फिर, तो अभी भाई साहब ने थोड़ा सा मसाले वगैरह ऐड किए हैं तो आप ट्राई करते हैं। ये सोया सॉस वगैरह सब कुछ आ गए, अब ये भी थोड़ा सा ऐड करते हैं, थोड़ा सा और स्पाइसी। उसके बाद अब ये नाम मुझे नहीं पता, मैं ऐड किए जा रहा हूँ बस, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से सोर्स है, इनके क्या नाम है। हम लोग सूप वगैरह जो है ट्राई करते हैं, पीते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। ओके भाई जान, अल्लाह हाफिज। तो सो गाइस, हम लोग यहाँ पर हमने सूप ट्राई किया, मज़ा आ गया। जो मैंने इसके अंदर जो सॉस वगैरह जो जितने भी भाई साहब ने मुझे उठा के दिए मैंने वो डाले, तो उसमें जो है ना चार चांद लग गए। तो अभी आगे चलते हैं स्टेशन पर, ठीक है ना, वहाँ पर चाय पियेंगे फिर। चेक करते हैं यात्री नहीं आती इसको, तो मैंने रखे उतारने का फायदा नहीं है। तो ये जैकेट मैंने पसंद की है, अच्छी है ठंड के हिसाब से, क्योंकि अभी दिसंबर में यहाँ पर ठंड
सही है, लेकिन अभी आगे जनवरी में सुना है इससे ज़्यादा यानी कि टेम्परेचर ठंड होने वाला है, तो उस हिसाब से ये सही है। लेकिन ये मुझे 800 रुपये की दे रहे हैं, तो अगर सही है 800 रुपये ज़्यादा नहीं है तो इनसे यही पैक करवाते हैं। मतलब आप कहाँ से हो? मैं केपीके से हूँ। केपीके से कौन सी जगह? बाजोगढ़ से। अच्छा, तो आप यहाँ पर भावलपुर में कब से हो, कितना टाइम हो चुका है आपको? तकरीबन एक माह होगा। अच्छा, तो ये जितने भी यानी कि जो जैकेट वगैरह है ये आप कराची से लेके आए हो? कराची से। अच्छा, तो रोजगार वगैरह यहाँ पर सही है आपका? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्लाह पाक आपको बरकत दे। और अगर अपने व्यूअर्स को बताओ कि जगह कौन सी, आपका ठिया कहाँ पे लगा हुआ है, कौन सा रोड है, कहाँ पर है? ये चढ़िया घर के सामने इंतजार का। अच्छा, तो ये चिड़ियाघर की दीवार है और यहाँ पर ये भाई साहब जो है ना यहाँ पर ठिया लगा हुआ है और इनके पास जो जैकेट है ना बेहतरीन है, ठंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, यानी कि इनके वहाँ माल पड़ा हुआ है और रेट भी इंशाल्लाह मुनासिब है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप भावलपुर के रहने वाले हो तो यहाँ पर ज़रूर आओ, ये भाई ठहरे हुए इनके पास माशाल्लाह काफ़ी अच्छा यानी कि ठंड के हिसाब से जैकेट वगैरह हैं और रेट भी मुनासिब है, तो हमने तो पसंद कर लिए, हमने ले ली। तो इनकी शादी है पंजाब में, तो इन्होंने फिर हमें कराची से इनवाइट किया, तो हम लोग हाजिर हैं। ठीक है, तो आज इनकी मेहंदी है, तो आज हम इनके साथ मेहंदी पे जा रहे हैं और ये दूल्हे साहब हमारे साथ हैं। ठीक है ना, तो आगे इनके साथ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मैं। क्या बोलते हैं दूल्हे साहब? ठीक है जी, हो जाए हल्ला गुल्ला। हो गया फिर। उस पहाड़ी पे रख क्या? बच्चों के साथ यार क्रिकेट खेलने पता नहीं कौन सी गेम बोलते हैं, पिट्टू गरम वो खेल रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं हमारे को खिलाते हैं नहीं खिलाते, एक दो शॉट हम भी मार गया। नहीं, वीडियो में नहीं होती है मेरे।
से निशाना एक भी नहीं लग रहा। खाब का बच्चे कह रहे तंग करने आ गया। ट्राई करता हूँ एक दो बॉल और खेलता हूँ। सबसे पहले मैं होता हूँ तैयार, तो आज मैं होऊंगा जादू करके, जादू से तैयार ऐसे ऐसे। तो आपको मैं जादू करके देखा तो फिर ऐसे गायब हो जाऊंगा। ये आपका भाई ये तैयार हो के आ गया जादू के साथ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जहां हमने जाना है। बैठने लगा और जो है ना कजन ने साइकिल चला ली, ये शुक्र है गिरता गिरता बच गया, हाथ में हल्की सी चोट आई है, ठीक है ना। और ये जो आपको मेरे पीछे आपको मुर्गियाँ और मछलियाँ नजर आ रही होंगी ना, ये कौन सी जगह है बिलाल भाई? खोखा मार्केट है। खोखा मार्केट, खोखा मार्केट मैं पहले भी आया था काफ़ी मरतबा, बट खैर अभी मैं अपने कज़न के साथ आया। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाए, ठीक है ना, साइकिल पे वो भी तो मज़ा आएगा ऐसे ही है। हो गए बावलपुर आए में थे, ठीक है। शादी भी थी कज़न की, फिर थोड़ा सा व्लॉगिंग वीडियो वगैरह शूट करनी थी, तो पता भी नहीं चला दो हफ्ते कैसे गुजरे कैसे नहीं गुजरे। तो अब स्टेशन आया हूँ मैं टिकट कराने, बावलपुर रेलवे स्टेशन, और फिर मेरे हाथ में टिकट है, मैंने अपनी टिकट करा ली है। अफसोस हो रहा है दो हफ्ते इतनी जल्दी गुजर गए, सर्दी है ना, दिन छोटे होते हैं तो पता नहीं चलता। ये रही मेरी टिकट है, तो दिल नहीं कर रहा वापस कराची जाने का, तो अब अगर नहीं जाएंगे तो फिर घर से जो है ना फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। खैर घर तो जाना, और वैसे भी दुनिया इस दुनिया में जो इंसान आया है उसने तो फिर एक ना एक दिन जाना ही जाना है। हम लोग बड़ी डेंजर्स जो जगह है ना वहाँ से चल के जा रहे हैं, और यहाँ पर नाला डेग है, ठीक है ना, और यहाँ पर नाला डेग है, ठीक है ना, और ये जो जगह है ना ट्रैक बड़ा ख़तरनाक ट्रैक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सुकून से जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करोगे तो फिर यहाँ पर होगे। ये देखो ये आपको जगह नज़र आ रही ना, अगर आपने जल्दबाजी की तो आप फिर सीधा नीचे। तो इसलिए हम लोग भी जो है ना थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम लेकर जा रहे हैं, और हम कामयाब हो गए। ये रहा ट्रैक और हम लोग कामयाब हो गए यहाँ से। यहाँ पर जो है फूल गोभी जो मैंने आपको दिखाई है, और यहाँ पर दूसरी साइड जो हम थोड़ा सा चलते हुए आ रहे थे, यहाँ पर जो है ना फूल गोभी की कटिंग हो रही है। तो अभी मेरे ख्याल में ये मंडी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं पैक करेंगे, यहाँ पर जो है ना ढेर लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सारी जितनी भी गोभी लगी हुई सब तोड़ के साफ करके फिर जो है ये मंडी लेके जाएंगे। तो देखते हैं कैसे तोड़ रहे हैं, कुल्हाड़ी इनके पास है, कुल्हाड़ी। भैया ये आप लोग मंडी लेके जाओगे? मंडी लेके जाएंगे। तो ये मंडी में आप लोग क्या रुपए धड़ी बेचते हो? धड़ी के हिसाब नहीं बिकती। फिर पल्ली बनाते हैं, पल्ली के हिसाब बिकता है। अच्छा, तो हम लोग अक्सर यानी कि जैसे कोई सब्जी मंडी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर तो यानी कि बोरी वगैरह बनी हुई होती है, ठीक है ना, तो कोई किलो के हिसाब से बेच रहा होता है, ठीक है ना, कोई जो है ना पूरा यानी कि बोरी के हिसाब लगाते हैं इतने की ऐसे होता है, या आप लोग जैसे आप लोग किसी और तरीके से बेचते हो? नहीं, ये पल्ली बनी हुई होती है ऐसे। अच्छा, तो एक पल्ली में कितना वजन होता होगा? एक पल्ली में तकरीबन 40-45 किलो होता है। अच्छा, तो एक पल्ली यानी कितने की आप मंडी में सेल करते हो?
ये तो बाजार का हिसाब है। अच्छा 500 की भी बिक जाती है, 600 भी बिक जाती है। सही। यहाँ पर ये भाई साहब गोभियाँ जो भाई कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये उठा के जो है ना आगे लेके जा रहे हैं। ये फिर जो है ना बोरा बनाएंगे, फिर जो है ना मंडी जाके सेल करेंगे। गोभी के आप फूल देख लो कितने बड़े बड़े फूल हैं, कमाल का। ये लगा हुआ है फूल, ये रहा, ये चुपके बैठा हुआ है अंदर, हमने छापा मारा इसको पकड़ लिया। फ्रेश पीस है, बिल्कुल फ्रेश है। अभी चलते हैं आगे। सो गाइस, वहाँ पर जो भाई साहब गोभी इनकी जो काट रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये आपको बोरियाँ नज़र आ रही होंगी येलो येलो, ठीक है, यहाँ पर जो है ना गाजरें पैक हो रही हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भी गोभी है, ये भी गोभी जो है ना ये पैक होके जा रही बोरों में। वहाँ पे भाई साहब काट रहे थे और यहाँ पर आगे आया तो यहाँ पर ये भाई साहब गोभी वगैरह काट के बोरी के अंदर पैक करके, वो सामने आपको बाइक नज़र आ रही होगी ट्रॉली, वहाँ पे भाई लोड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मंडी जाके सेल करेंगे। तो मैं भी फिलहाल चलता जा रहा हूँ, सांस चढ़ गया, जो मेरा जोड़ीदार था वो आगे चला गया। यहाँ पर हमारे को प्यास लग रही है, पानी को तरस रहे हैं। यहाँ पर कोई छोटी सी शॉप वगैरह भी नहीं है, कोई पानी या बोतल लेके पी लें, आशा करें सुबह के नाश्ता करके घर से निकले हैं। तो है कोई नहीं, चलो टिकट कराने आए, मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज जो है ना दोबारा विलेज में जाऊं और थोड़ा सा एंजॉय करें, ठीक है ना। और बाकी में मज़ा आता है यार, बाकी में जो है ना बिल्कुल सुकून माहौल होता है, मज़ा आता है। और आप लोग दुआ करो यार कि मैं भी जो है ना यहाँ कहीं जो है ना घर लूँ, ठीक है ना, सुकून माहौल हो, ठीक है ना, कोई शोर शराबा ना हो, सुकून से बंदा यहाँ पर ज़िंदगी गुजारे। तो खैर ये बात की कहानी है, ये बाद में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, वीडियो देखते हो बस। और हाँ, मेरी जितनी भी वीडियो है ना सबको वॉच करो, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करो भाई। मैंने अक्सर नोट कर रहा हूँ मेरी वीडियो पे लाइक कम करते हो आप लोग, देखते ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो ऐसा ना किया करो, ठीक है ना, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो, ठीक है ना, साथ में हल्का सा जो है ना शेयर करने का ऑप्शन आता है, आप लोग शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना, उससे ये होगा मेरी हौसला अफजाई होती है, ठीक है ना। तो अभी आगे चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, कम से कम अभी 2-3 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर जाके कोई शॉप वगैरह मिलेगी। सो गाइस, चल चल के बुरा हाल हो गया, एक दुकान मिली है वो भी बंद पड़ी है, तो मेरा जोड़ीदार ये ठहरा हुआ है। यहाँ पर कोई पानी वगैरह पीने की कोई बहुत दुकान वगैरह है आगे, क्या है भाई साहब से पूछा, भाई साहब कहते हैं आगे चलो। अभी आगे चलते हैं, आगे भी मुझे एक दो दुकानें नज़र तो आ रही है, बंद है, ट्राई करते हैं। स्टैंड है,
शुक्र करते हैं उस खुदा का यार हमारा कुछ खाने को मिला, नहीं तो हालत टाइट हुई थी। ये मेरा जोड़ीदार ये ठहरा हुआ है, इसने तो मेरा जो है ना आज हशर नशर कर दिया, चला चला के कहता है यहाँ से नहीं ऐसे जाना है, यहाँ से नहीं ऐसे जाना है, डबल चक्कर। तो देख लो ठीक है ना, ये 5 रुपए की है लेमन, पंजाब की खसूसी बोतल, कराची वालों तुम लोग 30 रुपए की बेचते हो, शर्म करो। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, प्रिंस आसिम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, गाँव में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होगी मुझे पता है, लेकिन लाइक कर दीजिएगा ठीक है।